Hello students, welcome again my channel luxe Geology Classes. A very good evening to all of you, and today in this lecture, I would like to start worth rate or natality. This is very very important topic regarding the population ecology. पॉपुलेशन इकोलॉजी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे नेटेलिटी है इसको हम बर्थ रेट कहते हैं मारटलिटी है डेथ रेट कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे कंपटेटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशनस में भी पूछे जाते हैं सो नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस टू डे अबाउट द नटलिटी और बर्थ रेट जैसा कि नाम से इंडिकेट है बर्थ माने होता है जन्म और रेट माने दर उसी को नेटेलिटी कहते हैं नोन एज बर्थ रेट जन्म दर जिसे हम हिंदी में कहते हैं तो नेटलिटी क्या है नेटेलिटी को डिफाइन कैसे करेंगी आज इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल डिस्कस डिस्कशन करेंगे बर्थ रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाई द पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम बर्थ रेट दर जन्मदर जन्मदर क्या होती है एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एवरेज नंबर माने है होता औसत संख्या किसकी न्यू इंडिविजुअल माने नए जीवों की प्रोड्यूस माने उत्पन्न होती है बाई द पॉपुलेशन माने जनसंख्या के द्वारा इन ए यूनिट टाइम का मतलब होता है इकाई समय में तो बर्थ रेट क्या है एवरेज नंबर ऑफ़ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाई द पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम इसको अगर हिंदी में समझना हो किसी भी जनसंख्या के द्वारा किसी भी जनसंख्या के द्वारा एक इकाई समय में किसी भी जनसंख्या के द्वारा एक इकाई समय में उत्पन्न होने वाली जीवों की औसत संख्या को जन्मदर कहा जाता है कीपिंग इन माइंड पॉपुलेशन मन तो जनसंख्या यूनिट टाइम मन इकाई समय किसी भी जनसंख्या के द्वारा किसी इकाई समय में जैसे एक महीना एक साल एक दिन तो किसी भी जनसंख्या के द्वारा इकाई समय में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की औसत संख्या को जन्मदर कहा जाता है दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इज नोन एज द मैक्सिमम बर्थ रेट उसे कहते हैं सर्वाधिक जन्मदर तो उसे कहते हैं पोटेंशियल नेटलिटी पोटेंशियल माने होता है क्षमता नेटलिटी माने होता है जन्मदर कुल मिलाकर के एक इकाई समय में किसी जनसंख्या के द्वारा उत्पन्न होने वाली औसत जीवों की संख्या को मैक्सिमम बर्थ रेट या सर्वाधिक जन्मदर कहते हैं उसे पोटेंशियल नेटलिटी भी कहते हैं ठीक है पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए बर्थ रेट अथवा किसी भी पॉपुलेशन के द्वारा एक इकाई समय में उत्पन्न हुए जीवों की औसत संख्या को बर्थ रेट या नेटलिटी कहते हैं फिर कामा करके लगा यहाँ देखिए मैक्सिमम बर्थ रेट और पोटेंशियल नेटिलिटी क्या है इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल विच कुड बी प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ टाइम अंडर आइडियल इकोलॉजिकल कंडीशन तो मैक्सिमम बर्थ रेट क्या है सर्वाधिक जन्म दर क्या है अथवा पोटेंशियल नेटिलिटी क्या है उसको कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल का मतलब होता है नए जीवों की सर्वाधिक संख्या विच कुड बी प्रोड्यूस मारे जो कि उत्पन्न हो सकती है पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक इकाई समय में अंडर आइडियल इकोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पर आदर्श पारिस्थितिकी दशाएँ होती हों उसे कहते हैं मैक्सिमम बर्थ रेट अथवा पोटेंशियल नटलिटी तो पोटेंशियल नटलिटी या मैक्सिमम बर्थ रेट क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल विच कुड बी प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ टाइम अंडर आइडियल इकोलॉजिकल कंडीशन आदर्श परिस्थितिकी दशाओं में आदर्श परिस्थितिकी दशाओं में किसी पॉपुलेशन के द्वारा जो मैक्सिम नंबर ऑफ़ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं एक इकाई समय में उन्हें को मैक्सिमम बर्थ रेट कहते हैं उन्हें को पोटेंशियल नटेलिटी कहते हैं इट इज़ डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ सेक्सुअली मेच्योर मेल एंड फीमेल इट इज माना यह डिटर्मिनेशन माने निर्धारण करना इसका निर्धारण किया जाता है नंबर ऑफ सेक्सुअली मेच्योर मेल एंड फीमेल इसका निर्धारण इस बात से किया जाता है इसका मतलब मैक्सिमम बर्थ रेट का कि सर्वाधिक जो जन्मदर होगी वो कैसे होगी इसका निर्धारण इस बात से करते हैं कि जो लैंगिक रूप से परिपक्व मेल अथवा फीमेल होते हैं मतलब उनकी क्या संख्या होती है कितने नंबर ऑफ सेक्सुअली मेच्योर मेल हैं कितने नंबर ऑफ सेक्सुअली मेच्योर फीमेल हैं एंड प्रपोर्सन ऑफ फीमेल इन द पॉपुलेशन और जनसंख्या में फ़ीमेल का औसत प्रपोर्सन क्या है अनुपात क्या है एंड द नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस बाई द फीमेल इन यूनिट टाइम और किसी फीमेल के द्वारा कितने अंडे एक फीमेल के द्वारा कितने अंडे एक इकाई समय में दिए जा रहे हैं द मैक्सिमम द मैक्म बर्थ रेट रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ए गिविन पॉपुलेशन जो मैक्सीम बर्थ रेट होती है जो सर्वाधिक जन्मदर होती है रिमेंस माने भी ऑलमोस्ट माने ज़्यादातर कांस्टेंट माने होती होती का, समान होती है जो मैक्सिमम बर्थ रेट होती है ज़्यादातर समान होती है फॉर ए गिवन पॉपुलेशन माने होता है दी, दी गए जनसंख्या में इन ह्यूमन पॉपुलेशन मानव पॉपुलेशन में नरटलिटी इज इक्विवेलेंट टू द बर्थ रेट मानव की जनसंख्या में जो जन्म दर होती है वो बर्थ रेट के समान होती है एंड इज यूजली एक्सप्रेस्ड और इसको सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं एट द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर पर थाउजेंड पर्सन इन द पॉपुलेशन और इसको सामान्यता प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ बर्थ मैंने होता है जो जन्म लेने वालों जीवों की संख्या को पर ईयर मैने प्रत्येक साल पर थाउजेंड पर्सन इन द पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन माने मानव की जनसंख्या में नेटलिटी बैलेंट टू द बर्थ रेट जो नेटलिटी होती है वो जन्म दर के समान होती है एंड इट एंड इट यूजअली एक्सप्रेसड और इसको इट यहाँ पर इट होगा एंड इट यूजुअली एक्सप्रेष्ठ माने इसको सामान्यतः प्रदर्शित करती हैं एज माने जैसी द नंबर ऑफ बर्थ द नंबर ऑफ बर्थ माने होता है नए जन्म लेने वाले जो नए जन्म लेने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन पॉपुलेशन जो नए जन्म लेंगे नए अंगवंश जो जन्म लेने नए अंगवंश जो भी जन्म लेते हैं पर ईयर माने प्रत्येक साल प्रत्येक साल जन्म लेने वाले नए अंगवंश की संख्या पर थाउजेंड परसेंट इन पॉपुलेशन किसी जनसंख्या में प्रति एक हज़ार पर कितने नए नंबर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जन्म ले रहे हैं इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सर्वाधिक संख्या होती है इंडिविजुअल्स की दैट कैन बी प्रोड्यूस जो कि उत्पन्न होती है थ्योरेटिकली माने जानते हो जान ही रहे हैं आप थ्योरेट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि प्रोड्यूस होती है थ्योरेटिकली पर इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशन थ्योरेटिकल जान और प्रैक्टिकल माने प्रायोगिक थ्योरेटिकल माने जान ही रहे हैं आप जो लिखा पढ़ियों में हो जो लिखित में हो तो इस तरह से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं थ्योरेटिकली पर इंडिविजुअल माने एक जीव के द्वारा अंडर आइडियल कंडीशन माने आदर्श दशाओं में इसके आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं फिर इसको ऐसे देखते हैं ठीक है वैसे करते हैं अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन कितने इंडिविजुअल्स जन्म ले रहे हैं अंडर इन्वायरमेंटल आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब आदर्श पर्यावरण की दशाओं में इस कार्ड माने उसे कहा जाता है पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल नेटलिटी उसी को पोटेंशियल फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कहते हैं इट इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पॉपुलेशन यह दिए गए जनसंख्या के लिए निश्चित होती है द इकोलॉजिकल बर्थ डेट

यहाँ से एक बार फिर से जो नेट इकोलॉजिकल बर्थ रेट होती है जो पारिस्थितिकी जन्म दर होती है अथवा नटलिटी रेट होती है किसी भी जनसंख्या को उसको निम्न फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल बी बराबर होता है कैपिटल या नॉल यान अपान टी बी इज द नटलिटी रेट पर यूनिट ऑफ टाइम वेयर जहाँ पर पी क्या है जन्म दर होती है प्रति इकाई समय में कैपिटल या नॉलॉल क्या है इस्मॉल यानी क्या है नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन नए जीवों की संख्या जो किसी पॉपुलेशन में जुड़ते हैं एंटी द यूनिट ऑफ टाइम एक इकाई समय में सिमिलरली द नाइटलिटी रेट पर इंडिविजुअल इस तरह से जो नाइटलिटी रेट होती है प्रति जीव जिसको हम कैपिटल बी कहते हैं इन द पॉपुलेशन जनसंख्या में पर यूनिट ऑफ टाइम माने एक इकाई समय में कैन बी एक्सप्रेड बाई द फार्मूला उसको निम्न फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कैपिटल बी बराबर कैपिटल एन ई अपन कैपिटल एन टी बी द बर्थ रेट और नैटलिटी रेट ए एन जान ही रहे हैं एन मीन्स नेटलिटी मैंने कितने जीव ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे पॉपुलेशन में ए मींस एरिया एंड टी मिनस टाइम तो जो नेटलिटी रेट होती है कैपिटल एन ए मतलब जन्म दर प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में और प्रति इकाई समय में कितना होती है उसी को कहते हैं बी इक्वल टू कैपिटल ए अपान कैपिटल एन टी यानी द